नमस्कार, स्वागत है आपका GBN24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। छत्तीसगढ़ में आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध और ओबीसी जनगणना कराने की मांग को लेकर बालोद जिला पूरी तरह बंद रहा। आपको बता दें कि एसपी एसटी और ओबीसी समाज ने संयुक्त रूप से शहर में रैली निकाली और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस लेने की भी मांग की है। वहीं इस रैली के चलते बाजार और दुकानों को भी बंद कराया गया और इसी के साथ दूसरी तरफ मालवाहक और यात्री बसें भी नहीं चली। इस दौरान भारत बंद के आंदोलन को हमर राज पार्टी का भी समर्थन मिला। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि ये जो वर्गीकरण किया है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है जजमेंट कि एससी और एसटी के उप वर्गीकरण के लिए, और उसका कारण बताया गया है कि ये अब बहुत उन्नत समाज हो गया है करके, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं कि एक तो हमारा देश ऐसे ही विभिन्न वर्ण व्यवस्था के कारण बटा हुआ है और एससी एसटी ओबीसी जो शूद्र समाज से आते हैं और उसमें से ये एससी एसटी ओबीसी हो गए हैं वो एकजुट हैं। हमारे देश की 80% जनता एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं। इनके बीच में एक भेदभाव करने का जो षड्यंत्र जान पड़ता है उसका हम घोर विरोध करते हैं। राष्ट्रीय और प्रांतीय निर्देशन पर जिला बालोद सर्व समाज के द्वारा हमारा प्रमुख मांग है कि एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण के अंदर आरक्षण अर्थात जातियों में उपवर्गीकरण इनका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, 2021 से जनगणना जाति जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए उसका मत भी निर्धारित नहीं हो पा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमारा पूरा विरोध करते हैं। तीसरा ये कि क्रीमी लेयर हमारे एसटी में भी लगा हुआ है, क्रीमी लेयर और पूरा एसटी एससी ओबीसी समाज में सभी में क्रीमी लेयर लगा दिया गया, जबकि आरक्षण का आधार ऐसा नहीं है। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से आपको हमारा हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज यहाँ पर निवास 15% लोग जो हैं 85% के ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तो अन्याय है। और रही सवाल आरक्षण का, आरक्षण का आधार जब देश आज़ाद हुआ तो 10 साल के लिए इनको आकलन करना था, लेकिन आरक्षण सही रूप से नहीं मिलने के कारण आज हम समान रूप से नहीं दिख रहे हैं, ना समान पोस्ट आ रहा है, ना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना आरक्षण को सही लागू करना चाहिए। अभी देखिए, हर भर्ती में परीक्षा होता है, लेकिन इस देश में एक ऐसा रूल भी बना दिया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, जज का बेटा जज बन रहा है, ये तो अन्याय है। और हम लोगों को इधर वर्ग उपवर्ग, पहले तो वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, अब जाति उपवर्गीकरण करके ये जाति हित में लड़ाई नहीं हो रहा है बल्कि समाज को तोड़ने का। इनका जो ब्रिटिश प्लान है ना कि समाज को तोड़ो और राज करो, जैसे वो देश को तोड़ा और राज किया, इसी प्रकार ये लोग जाति को तोड़ करके राज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ये केंद्र सरकार, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और पूरा बालोद जिला विरोध करता है। ये तो अभी टाइटल है और पिक्चर अभी हम लोग दिखाएंगे और आने वाला समय में 3-4 महीने में जरूर दिखा देंगे। जय जोहार, जय सेवा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN24 पर।